मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के एमएम वली कब्रस्तान के नज़दीक में बने टीएमसी हॉस्पिटल में आज विधायक जितेंद्र अभाट ने दौरा किया। दरअसल इस दौरे का मकसद था, इस हॉस्पिटल में आज से डायलिसिस मशीनों की शुरुआत की गई है। साथ ही हॉस्पिटल के विजिट के दौरान विधायक जितेंद्र अभाट ने मीडिया से बातचीत करते हुए मुमरा शहर में कब्रस्तान को लेकर हुई राजनीति और अन्य मुद्दों पर, राजनीति जिस तरह से हो रही है उसको लेकर क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए, आपको सुनाते हैं। सर, आज आप यहाँ पर आए हो ओपनिंग के लिए, 10 डायलिसिस मशीन भी है उसकी भी ओपनिंग की गई है, सोनोग्राफी की मशीन की भी ओपनिंग, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जो सपना पूरे मुमरा शहर ने देखा था, जिसके पीछे हम सालों से लगे थे, वो सपना अंतिम चरम पे आ गया है। 10 डायलिसिस की मशीन ऑपरेटिव हो गई है, सोनोग्राफी की मशीन ऑपरेटिव हो गई है, NICU अभी तक ऑपरेटिव नहीं है लेकिन NICU की 10 मशीन आ चुकी है। मैं लेकिन आपके नज़र में ये लाना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल देखिए पूरा, ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं दिख रहा है। मैं मुमरा वासियों को ये यकीन दिलाता हूँ, शरीर की कोई भी समस्या हो इस अस्पताल में ये कैसा चलेगा, क्या चलेगा, किसका क्या होगा, ये बहुत जन इस पर राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं। मैं किसी चीज़ में कभी भी सियासत नहीं करता। ये सामने कब्रस्तान है, आपको मालूम है लोगों ने कैसी गंदी सियासत की थी। आज क्या है हाल देखिए, और कैसा सुंदर लग रहा है कब्रस्तान। यहाँ पे आप कोई भी इलाज करवा, कोई भी ऑपरेशन करवा, जब ये पूरे अंतिम स्वरूप में चलने लगेगा तब मुमरा वालों के खीसे से एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ये जो अपनी महानगर पालिका की चुनाव के लिए सिटिंग कर रहे हैं, वो जो बकवास करते हैं ना जी, उनको मैं जनता को बता देना चाहता हूँ कि गरीब के खीसे से यहाँ पे उसको रुपया भी नहीं निकालना पड़ेगा। उसकी चेकिंग, उसका ऑपरेशन, उसकी सभी जितनी उसकी ज़रूरतें हैं सब बिना दिक्कत मुफ्त में उसके लिए दी जाएगी। सर, अभी भी मुफ्त है सबके लिए? सर, ये शिकायत है, आरोप लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा इसको। ऐसा है, मैं यही बोल रहा हूँ, जब तक यहाँ पे लोगों का मुफ्त में इलाज होता है, पूरे मुमरा शहर के लोगों को मुफ्त में इलाज मिलता है, तो ये कौन चलाता है, कैसा चलाता है? क्योंकि ये सब जो है, ये इतना खूबसूरत इसका जो बैठक है, हवा है, ये है, वो वैसी ही रहनी चाहिए। आपने देखा है शिवाजी हॉस्पिटल कभी हाल जाके क्या है? जी सर, शुओं ने बेड़ खा के रखा है जी, कुछ नहीं होता। लेकिन सर, अभी भी कुछ ऐसी सहूलतें हैं जिनके लिए कलवा भेजा जाता है, तो अभी तक ये पूरा शुरू नहीं है, ये शुरुआत है। कोई भी बैट्समैन अगर फील्ड पे आता है तो पहले 2-3 ओवर तो लड़खड़ाता है ना, बाद में छक्का मारता है, मतलब सेंचुरी के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। थोड़ा इंतज़ार करो ना, इतना खूबसूरत हॉस्पिटल आपको ठाणे महानगर पालिका के किसी भी एरिया में नहीं मिलेगा। सर, यहाँ पे सारी जांचें वगैरह सब अवेलेबल है सर, सोनोग्राफी, MRI मशीन आएगा, पैथोलॉजी लैब आएगी, आपके खूंच की जगह अभी क्या क्या अवेलेबल है सर यहाँ पे? अभी मैंने जितना ओपनिंग किया है सब अवेलेबल है, आस्ते 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 एक 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 जुड़ने लगेगा। मेरे ख्याल से फुल फैसिलिटी में और 1-1.5 महीना लगेगा, पूरा हॉस्पिटल पूरा भर जाए सर। ये क्योंकि कैसा है, पैथोलॉजी के लिए पैथोलॉजी के लैब के टेक्नीशियन लगते हैं, MRI के लिए MRI के टेक्नीशियन लगते हैं, ये अभी जो किया है सोनोग्राफी उसके लिए टेक्नीशियन लगते हैं,
तो ये किसी अहरे गहरे का काम नहीं है, अभी जो स्टाफ है वो स्टाफ से इस हॉस्पिटल का काम नहीं चल सकता। सर डायलिसिस मशीनों की काफी जरूरत थी मुमरा शहर को, लॉकडाउन में भी देखा गया, अभी ये शुरुआत हो गई है तो 10 मशीनें हैं, अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो उनके अकॉर्डिंग क्या बढ़ाई जाएंगी मशीनें? सर पहले 10 का तो काम देखो यार, क्यों बद्दुआ दे रहे हो कि पेशेंट बढ़ेंगे? अरे मत करो ना बद्दुआ, अल्लाह से दुआ करो कि 10 नहीं 5 ही मशीन चलनी चाहिए। सर मुंह से तो अच्छी बात निकलती ही नहीं यार। सर 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 मुमरा के लिए हॉस्पिटल तो चालू कर दिया गया, सर वाई जंक्शन का ब्रिज के लिए लोगों के लिए कब चालू होगा? देखो वाई जंक्शन का ब्रिज मांग मैंने की थी जी, मेरी सरकार ने मंजूर कर दी थी, ब्रिज तैयार है जी, लेकिन ऐसा है सर चालू कभी होगा? अरे भाई रुको ना जी, इस शहर के मुख्यमंत्री है, मैं तो कल जाके पत्र हटवा दूं मेरे स्टाइल में, अगर मैं काम करूं शमीम भाई को और सबको बोल दो जाओ पत्र हटवा दो ओपन कर दो। सर सब ये कह रहे हैं मनपा चुनाव को देखते हुए नहीं ओपनिंग की जा रही है। मैं बात करूंगा कि आप ही बात करूंगा? नहीं जी जी नहीं सर, सब कुछ क्वेश्चन था इसके लिए आपके सर, जैसा सर आपने उसके पहल की थी ब्रिज को लेकर, तो आपके हाथों उद्घाटन हो जाता तो लोगों के लिए ब्रिज खुल जाता? ऐसा है मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को इज्जत देनी चाहिए जी, ऐसा नहीं उसे उन्होंने बोलना चाहिए। देखा जितेंद्र आवर साला अपनी इज्जत भी नहीं करता मुख्यमंत्री का जी, मुख्यमंत्री को मैंने 10 बार कहा है कि आके ओपन करके निकल जाओ, ओपन क्या करना है, एक गाड़ी यहाँ से गई रन मार के वापस गई हो गया ओपनिंग जी। ये तो हमारे मुमरा के लोगों का बड़प्पन है कि हम मुख्यमंत्री की राह देख रहे हैं, ब्रिज तैयार है। सर एक्सीडेंट तो बढ़ते जा रहे हैं ना सर? ये तो बात करने दे यार जी, ब्रिज तैयार है, सिर्फ मुख्यमंत्री के समय का इंतजार है जी। और सर अगर इन्हें समय, और अगर उन्हें समय नहीं मिलता है तो फिर जितेंद्र रावड़ का काम कर देगा जी। लेकिन ये आरोप नहीं लगना चाहिए कि खुद के प्रसिद्धि के लिए, खुद का माहौल बनाने के लिए जितेंद्र रावड़ ने काट डाली फिर, नहीं इतना छोटा मुझे भी नहीं मानना है जी। मुमरा वालों को मालूम है ब्रिज लाया किस, ब्रिज के लिए पैसा लाया किसने, ब्रिज कैसे बना, ये सब मुमरा वालों को मालूम है। ऐरोली का जो कनेक्टर है वो किसने लाया, कब लाया, कब हुआ, सब लोगों को मालूम है। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के सिवा किसी का भी सहभाग नहीं है, ये भी पूरे मुमरा को मालूम है। लेकिन हम तो ऐसे मौके की तलाश में नहीं है कि उसका खाना मैं छीन लूँ। अगर हक मुख्यमंत्री का है तो मुख्यमंत्री को समझना चाहिए जी कि उनके लिए लोग रुके हुए हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रास्ते खराब हो रहे हैं, अगर वो आना ही नहीं चाहते तो फिर मैं तैयार हूँ।